बकबक करेंगे, आप किसी लड़की को पटक के पेल देंगे और आपके मुंह में कोई नरेटी तक नहीं डालेगा। नमस्कार, मैं हूं सुगंधी, कैसे हैं आप? तो आज के वीडियो देखते हैं झंड जी का, और वीडियो है तन्या के झांसा में फंस गया तूफानी। तो वही करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देखिए। तब तक ले करते हैं वीडियो स्टार्ट, ये देखते हैं। अच्छा तू हमरा छू के दिखाबो, पहले तू ना कलर, पहले तू ना गैला, पहले तू ना गैला। इसको छोड़ के बात कीजिए, इसको छोड़ के बात कीजिए। सर वही कौन सा इंटरव्यू है बे? दोनों एक दूसरे का मुंह में घुसे जा रहा है। ये जनता है मालिक, जनता है, जनता हर किसी का मालिक होता है, एकदम है। अरे चुम्मा मत ले लेना बे एक दूसरे का। ये जनता है मालिक, जनता है, जनता हर किसी का मालिक होता है। पता नहीं ये इंटरव्यू हो रहा है या दोनों अपने मुंह का थूक एक दूसरे के मुंह में ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। इतना दूर दूर से बात कर लो, बकबक करेंगे, आप किसी लड़की को पटक के पेल देंगे और आपके मुंह में कोई नरेटी तक नहीं डालेगा। ऐसा ही होना चाहिए, एकदम दमदार, जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोले कि पिछवाड़े का पसीना माथे पे चमके। इतना आप में गर्मी है, इतना कि थर्मामीटर ना टूट जाए। तो अभी तो पत्रकारिता में से निष्पक्षता झलकेगी। हम दादा हुए पैदा, कब से दादा पैदा हुए? जब से मेरा माँ हमको कोख से निकाली, जब से दादा पैदा, बताइए। नहीं, पत्रकार भाई साहब के गर्मी से लेकर तेवर तक सब कुछ आपने देख ही लिया। फाइनल के जे नरेटिया में दी उनका गोनी ना, इतना दम होई वो सब होई कोई और ना। तो यहां ये तो ट्रेलर था, पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। मेरे घर में मेरे सीधा मेरे मतलब पापा ने कहा कि या तो तुम गायकी लाइन चुन लो, क्योंकि तुम एक लड़की और ब्राह्मण समाज से हो। देखो तेवर, देखो देखो, देखा तेवर? नहीं नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं, फिर से देख लो। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, 11 बजे रात में हमारे घर से फरक्का ट्रेन आती है। गलत नहीं बोलूंगी किसी को, लेकिन मैं उस वहां से उठी हूँ ना यार विकास जी, जहाँ से अगर आप ये वही पत्रकार है ना कि मैंने दूसरे किसी का वीडियो दिखा दिया आपको? वही है, वही है। नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि इतना उछल कूद मचाने वाला पत्रकार अचानक से मूस कैसे बन गया। बकबक करेंगे, आप किसी लड़की को पटक के पेल देंगे और आपके मुंह में कोई नरेटी तक नहीं डालेगा। यार विकास जी, जहाँ से इसे कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता। तनेवा तो हर मतलब मौसिया फुफा, अगर मौसियों बात है, एकरों में हमारी इज्जत भाई जात ना। नहीं, हो सकता है भाई साहब थोड़े संस्कारी होंगे, महिलाओं के सामने उनकी गर्मी नहीं निकल पा रही होगी, बट एक पत्रकार होने के नाते सवाल तो पूछ ही सकते थे, है ना? लेकिन पूरे 28 मिनट 40 सेकंड की वीडियो में क्या मजाल है कि भाई एक भी सवाल पूछ दे। घर में जाकर के खाना बना के खिलाते ना विकास जी। लोरी सुनने आए थे बे? मैडम ने लप्पो चप्पो करके बिना सर पैर की एक इमोशनल सी फिल्मी ड्रामेटिक कहानी सुना दी, और भाई साहब की पत्रकारिता वही फिसल गई। आपको हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तकाल है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे तानिया झा। अरे बस बस हो गया, ज्यादा मत करो, बस इतना ही है। अरे मैंने तो सोचा कि इनके सम्मान में झा के बाद टी लगाना पड़ता है। इतने से भी कम चला लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, यो सुन लो। वैसे आप जानते तो होंगे ही इनके बारे में, पहले ये बहुत अच्छी सिंगर थी। हंस का रहे हो बे? बात खत्म नहीं हुई है अभी। हाँ तो मैं कह रहा था कि पहले ये इतनी अच्छी सिंगर थी कि अपने गानों को घी और चीनी में लपेट के परोसा करती थी, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती थी, ऐसा इनका कहना है। उससे पहले भी मैंने बहुत अच्छा गाना है, उस अच्छा। और ये बात प्रूव्ड है कि एक इनका सुर और एक गली में भौंकने वाले खुजली वाले कुत्ते का सुर, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं था। इनकी आवाज उससे भी दो दर्जे गंदी थी। हाँ। अब इनके फेसबुक लाइव वीडियो ही देख लीजिए, चाशनी में डुबोए हुए कुत्ते के गू से भी अच्छे शब्दों का उच्चारण करती हैं ये। हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, यो सुन लो। और ये सब ये क्यों करती हैं पता है? अबे मुझे क्या पता। क्योंकि इनके जो पहले के बहुत अच्छे अच्छे गाने थे एकदम वर्ल्ड टॉप लेवल के, जिसका कंपटीशन अगर सीआर के साथ किया जाए तो शायद सीआर जीत जाए, उस लेवल के
अच्छे अच्छे गाने इनके नहीं चले। हालांकि उन गानों को चलाने के लिए मैडम ने बहुत तगड़े तगड़े हथकंडे अपनाए थे। इन्होंने मंगलहिया जवान के सपोर्ट तक में गीत गाए थे कि भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, खत्म होनी चाहिए। हाँ, देखो कितना बढ़िया गाना था वो, कितना बढ़िया गाना था। ना कि गीत गाने के लिए गले में सरस्वती का वास होना चाहिए, गधे की पूंछ अटका के आ जाओगे तो कैसे चलेगा। न सुर न ताल, सिर्फ गाने लाल लाल, कैसे चलेगा। खैर, तो ये भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने की जो मुहिम थी वो फेल हो गई। फिर मैडम ने खुद ही अश्लीलता का पूंछ पकड़ के आगे बढ़ना ठीक समझा। उसके बाद तो मैडम इतना गिरी पूरे इंडस्ट्री में इनको हर कोई सेक्सिस्ट ही दिखाई देने लगा। जब तक आप लोग किसी के पास जाके सोएंगे नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश नहीं करेंगी, तब तक आप इस लाइन में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हर कोई इनको कम्प्रोमाइज करने के लिए कोने में बुलाने लगा। हमको कहा जाता है कि तुम जब तक तुम मतलब मेरे लिए कुछ नहीं करोगी तो कोई तुम्हारे लिए क्यों कुछ करेगा, तान्या तुमको मैनेज करना पड़ेगा। बस बिहार के नंगे धंगे पत्रकारों को कंटेंट मिल गया और मैडम इंटरव्यू देने लग गई। कैसे कहते हैं भोजपुरी में, इंटरव्यू इसी कहते हैं ना। और फिर भाई साहब उसके बाद जो मैडम ने मुंह से हगना शुरू किया है, इतने संस्कारी गीत दिए हैं मैडम ने कि सुन के कान से खून निकल जाए। ये तो बात है। हाँ, कान से बोला हूँ, ध्यान से सुना करो, पता नहीं क्या क्या सुन लेते हो यार। जो अश्लील गा करके फॉर्चूनर पे चढ़ गया है, अब क्या चाहते हैं, सफा सुथरा गा के साइकिल पे चढ़ जाए। ना ना, वो तबाही न्यूज वाले का 1,00,000 एक्सेप्ट करो और जहाज पे चढ़ो, वापस साइकिल पे ही तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। 10 दे के किसला, 20 दे के मिसला, अब 500,000 दे के। लेकिन 1,00,000 रुपए अगर हम दे दें तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। खैर, तो अभी इस मैटर में नया अपडेट जो है वो ये है, मैंने कंकड़बाग थाने में FIR किए हैं, मैंने कुल मिला के 10 लोगों पे FIR किए हैं। हाँ, और जिन 10 लोगों पर FIR किया गया है, उन 10 लोगों का जो सरगना है उनका नाम है छीछा लेदर यादव। छीछा लेदर यादव, ये कौन है जी? इनका तूफानी लाल यादव है, लेकिन अगर आप इनके पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से इनको छीछा लेदर यादव कहना कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ छीछा लेदर के अलावा कुछ नहीं किया है। आज के 3 साल पहले जो इन्होंने अंतरा सिंह प्रियंका के साथ किया था, वही खेल आज इन्होंने तानिया झा के साथ खेला है। मैटर तब भी वही था, मैटर आज भी वही है। मैं बहिन पर जाइबे तब पटकी एक। FIR तब भी हुआ था, FIR अब भी हुआ है। इतना गंदा, मेरे आवाज के साथ इतना गंदा शब्द गा दिया है कि हम अपने पब्लिक को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। खैर, तो मैटर ये है कि भाई साहब ने किसी कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ मिल करके तान्या झा से एक अश्लील गीत गवाए, जो कि तान्या झा का प्रोफेशन भी है। बट धोखा ये हुआ कि तान्या झा को पता नहीं था इस गाने में ड्यूट कौन करने वाला है। तान्या झा ने अपने हिस्से का गीत रिकॉर्ड करके दे दिया। फालतू ज्यादा बोलेगा तो माई बहन सुन रेल दे। और उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। तूफानी लाल यादव ने बहुत ही भद्दा सा और बहुत ही गंदा सा गीत को तान्या झा के साथ ड्यूट करके मिक्स करके अपने ही चैनल पर रिलीज कर दिया। मैं बहिन पर जाइबे तो पटकी एक। अबे सालों, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को पता है कि तान्या झा किस लेबल का गीत गाती है। जो गाना तुम रिलीज किए हो वो गाना उसे सूट करता है, उसे कोई आपत्ति नहीं ऐसा गीत गाने से, तो मिलजुल करके गा लिए होते, धोखे से गवाने की का जरूरत पड़ गई। मार साले को। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, बाकी आप अपनी राय कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे सब्सक्राइब किया जाता है। देख रहे हो कितना हम्बल इंसान हूँ, बता भी रहा हूँ कि सब्सक्राइब किया कैसे जाता है। इतना हेल्प कोई करेगा आपकी?
खैर तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी आओ, कोई सवाल वाल हो मन में तो करो यार, जवाब दे देंगे हम आपका सवाल हुआ तो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलिए खत्म हो गया वीडियो। तानिया झा, तानिया झा को अच्छा गाना गाना चाहिए, साफ सुथरा गाना गाना चाहिए, तो जैसे गाना गाएगी वैसे ही सब सुनने के मिलेगा। तो कैसा लगेगा आप लोग का गाना तो आप देखिए और कमेंट में बताइए, मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक ले ओके बाय।